खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां पंचायत भवन में कार्य कराने के बाद ग्राम प्रधान को पैसा न मिलने से ग्राम प्रधान ने आत्महत्या करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। ये तस्वीरें हैं जनपद अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक के चंदनकोटा गांव की। यहां की ग्राम प्रधान कश्मीरी देवी ने एक वीडियो वायरल कर अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि पंचायत भवन व सड़कों में जो निर्माण कार्य हुआ है उसका पैसा अधिकारियों की ओर से नहीं दिया जा रहा है, उनकी निधि रोक दी गई। उनके द्वारा गांव में कई खड़ंजे बनवा दिए गए, ईंट भट्टे से ईंटें आ गई, मजदूरों की मजदूरी नहीं गई है। अब ये सभी लोग ग्राम प्रधान पर तकादा कर रहे हैं ताकि उनको उनके पैसे दिए जाएं। सबको लेकर ग्राम प्रधान परेशान है क्योंकि उनकी निधि रोकी गई है। ग्राम प्रधान कश्मीरी देवी का कहना है कि यदि 5 दिन में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो डीएम कार्यालय पर आत्महत्या कर लेंगी। गंगेश्वरी से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। चंदन कोटा से मैं कश्मीरी देवी प्रधान बोल रही हूँ और मेरा कहना यह है कि मुझे सब गांव ने प्रधान बनाया, बहुत अच्छी तरीका से खूब वोटों से जिताया। अब मेरे पंचायत घर का निर्णय कोई भी नहीं सुन रहा है। मैंने जो सामग्री लगाई पंचायत घर में उसके मजदूर आदमी ईंट वाले सब मेरे घर पे मजदूर आदमी चढ़ाई कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें मुझे और मेरे बेटों को सुना कर जा रहे हैं। आप 5 दिन में जो अधिकारी मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं 5 दिन में डीएम के पास जाके अपनी आत्महत्या कर लूंगी। मैं बहुत दुखी हो चुकी, जो मेरा सामग्री ही घर की भी लग गई और उन्हों की भी लग गई, मजदूरों की सब भट्टा वालों की ईंट विकास में लग गई, वो भी मेरे घर पे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कश्मीरी। कहाँ की रहने वाली हूँ? चंदन कोटा। क्या मामला आपका? एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। हाँ, मैंने अपने होशवाद में भी वीडियो वायरल करी है। क्यों? तो मुझे पंचायत घर का निर्णय कोई नहीं मिला, सब घरंजे गिरवा दिए हैं, उसका भी पैसा उधार हो रहा है और तगादे बहुत हो रहे हैं। घर पे आके चढ़ाई कर रहे हैं मजदूर आदमी और अच्छी बुरी सब सुन रही हूँ सबकी। मैंने वो अपने होश आवाज में वीडियो वायरल करी। अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो अमरोहा जिला में डीएम के यहाँ अपनी आत्महत्या कर लूंगी। क्या नाम आपका? मेरा अमित गिरी नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम चंदनकोटा से प्रधान पुत्र अमित गिरी। जैसा कि आपकी मम्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या मामला हुआ? ये परेशान होकर वीडियो वायरल हो रहा, मम्मी ने वीडियो अपना मोबाइल से बनाई थी और उसमें ग्रुप में डाल दी। उसने मैंने मना किया तो उन्होंने बोला कि बेटा जब तू परेशान हो रहा है, जब तू परेशान है तो तुझसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ। और मैंने मामला यह है कि 7 महीने हो गए पंचायत को, अभी उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। मैंने डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ पे और साहब हर जगह मैंने वो एप्लीकेशन दी, शिकायत भी मैंने ऑनलाइन कर दी, रजिस्ट्री भी कर दी है। उसका अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है। पंचायत घर का निर्णय मतलब एक तरफा नहीं हुआ है, बीच में पंचायत घर लटका हुआ है। पूर्व प्रधान ने डीपीसी भर दी थी, उस डीपीसी पर स्टे है, जो उस पर स्टे तो मैं कैसे काम चालू कर सकता हूँ? नेपाल ने कहानी हुई ना, मुझे तहसीलदार साहब ने मुझे सभी ने बता दिया कि उस जमीन पर स्टेज पर काम नहीं चालू करोगे। जब मैं काम चालू नहीं कर रहा तो मुझे फिर मतलब या तो मुझे कोई और जमीन दी जाए जहाँ पे मैं काम कर सकूँ। इसलिए परेशान होकर मम्मी आत्महत्या कर रही है। अगर मम्मी को, मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं आपसे भी, प्रशासन से, सभी से मैं ये कहता हूँ, अगर मेरी माँ को कुछ होता है तो उसके बाद मैं भी यही करूँगा आत्महत्या। इसका जिम्मेदार सारा प्रशासन होगा।